वैसे यार ये है एक पब्लिक माइनक्राफ्ट लाइफ स्टाइल सिंपी में हर एक बंदा बनना चाहता है रिचेस्ट पर्सन, या तो कोई बंदा शॉप खोल रहा है या फिर कोई बना रहा है अपने अपने फार्म्स, बट हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। बट आज हम लोग बनने वाले हैं इस एसएमपी के द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन। अब गाइस यार देखो ये काम थोड़ा सा तो मुश्किल होने वाला है, बट हाँ हम लोग इसको करेंगे। तो गाइस यार जो मेरा प्लान है वो प्लान ये है कि यार मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, मैंने अपनी एक लाइव स्ट्रीम पे बोला था कि हम लोग बनाएंगे 10 नेदरराइट आर्मर्स, एंड अब वो टाइम आ चुका है। उन 10 नेदरराइट आर्मर को बनाने के बाद भी हम लोग इतने ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन नहीं बन पाएंगे, बिकॉज ओपी एसएमपी में काफ़ी सारे बंदों ने पहले से ही काफ़ी ग्राइंडिंग करके रखी है, तो हम लोगों को उन 10 नेदरराइट के अलावा भी कुछ बनाना पड़ेगा। तो लेट्स बिगिन। तो सर क्योंकि हम लोग 1.20 में खेल रहे थे और यहाँ पे नेदरराइट तो आसान हो चुका है, बट हाँ सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास में जो डायमंड है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, एंड बाकी हमारे पास में अगर बात करें एशियन डेब्रिस की तो दिस इज़ द एशियन डेब्रिस। तो वही सर हमारे पास यहाँ पे इतनी सारी एशियन डेब्रिस तो पड़ी हुई है, बट हमारे पास डायमंड बिल्कुल भी नहीं। ये सारी एशियन डेब्रिस मुझे दिए गिफ्ट में मेडनेस गोड ने। हाँ ये मेडनेस गोड भी मेरा एक अच्छा खासा दोस्त है इस एमपी में, जिसने मुझे गिफ्ट के तौर पर इतना सारा नेदरराइट भर के दिया था। बट हाँ हम इस नेदरराइट को तब यूज़ कर सकते हैं जब हम डायमंड्स माइन करेंगे, एंड डायमंड्स के लिए अपने को बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग करने पड़ेगी, क्योंकि यार ये 1.20 जैसा कि सारे के सारे बंदे आते हैं कि 1.20 में डायमंड माइन करना और नेदरराइट आर्मर बनाना कितना ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो वैसे यहाँ पे मैं डायमंड माइनिंग कर तो जा रहा था, बट उससे पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ हम लोग को टोटल कितने डायमंड लगने वाले। हम लोगों को पूरे 10 बनाने नेदरराइट आर्मर्स। तो हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग जो अपनी नेदरराइट अपग्रेड टेम्पलेट है उसी को पहले काफ़ी ज़्यादा बनाने वाले, क्योंकि यार नेदरराइट अपग्रेड टेम्पलेट ही वो चीज़ है जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा हार्ड हो चुका है नेदरराइट आर्मर बनाना। तो हम लोग सबसे पहले हमारे पास जितना भी डायमंड पड़ा हुआ है हम वो सारा का सारा डायमंड लगा के बनाने वाले हैं नेदरराइट अपग्रेड टेम्पलेट। तो हम लोगों को अगर बनानी है तो हम लोगों को लगेगी कि भाई टोटल 11 अपने को बनानी पड़ेगी, मतलब 10 अपने लोग बनाएंगे और एक एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी अपन लोगों को अपने पास में नेदरराइट अपग्रेड टेम्पलेट। तो इस वजह से यार अभी ना फटाफट से अपन लोग को यार चाहिए होगा नेदर रैक, तो मैं थोड़ा बहुत मतलब नेदर रैक कलेक्ट करके आता हूँ, एंड देखते हैं अपने पास अभी जितना डायमंड है उतने डायमंड में अपना काम हो पाता है नहीं हो पाता है। ओके तो सर अपने पास इतने डायमंड तो थे कि अपने पास 11 नेदरराइट अपग्रेड टेम्पलेट बन चुके हैं, बट द थिंग इज़ कि अपने सारे के सारे डायमंड्स खत्म हो चुके हैं, मतलब कि अब अगर हम लोगों को अपना जो नेदरराइट आर्मर है वो बनाना है तो उसके लिए अपने को भी और भी डायमंड आर्मर्स लगने वाले, मतलब डायमंड्स लगने वाले। तो सबसे पहले यार ये अपन लोगों ने जितना ये करा हुआ है ना, मेरे पास में जितने पुराने भाई डायमंड आर्मर है मैं उन सारे के सारे आर्मर को कवर करने वाला हूँ, डायमंड मतलब डेब्रिस में इसको कवर करने वाला हूँ। तो फटाफट से मैं यार मैं तो ना मेरी इन्वेंटरी हमेशा भरी हुई रहती है, इसको खोलो। और भाई देखो तुम्हारे भाई के पास ना माल तो एकदम भर के पड़ा हुआ है, ठीक है तो मैंने 4 की स्पेस कर ली। तो पहला एंड में साथ ही साथ मैंने इन लोगों की ना स्पेस भी देखते हूँ, देखो ये ठीक है यार मैंने पहले से यार कर्स ऑफ एनीथिंग, चलो कोई बात नहीं कर्स ऑफ एनीथिंग से इतनी कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी रख लो, इसको भी रख लो। अभी इस वाले में क्या है, ओके इस वाले में अपने पास में फ्रॉस्ट वॉल्कर 2। अभी फटाफट से चलते हैं एंड इसमें लगाते हैं, मतलब कि अपना जो ये अपन लोग आज भाई फाइन मतलब पूरा का पूरा कवर करने वाले। तो देखो अपन लोगों ने 11 करा है, पर अपने को यार एक के लिए यार मैं क्या दिमाग लगाता हूँ भाई, पर मैं क्या लॉजिक लगा रहा हूँ गाइस, वेट यार एक आर्मर में 4 डे मतलब इनगट तो लग जाएंगे ना, मतलब ऐसा नहीं कि एक में पूरा का पूरा मैं कवर कर लूँगा, ऐसा नहीं हो पाएगा यार। मैं कुछ भी मतलब मेरा लॉजिक थोड़ा सा उल्टा आ रहा था, मेरे को 11 नहीं मेरे को 11 से डबल ट्रिपल चाहिए होंगी, मतलब कि भाई जो ग्राइंडिंग है वो भी एकदम हार्ड लेवल पे होने वाली। बट कोई बात नहीं, इतने सारे बंदों ने ग्राइंड करके अपने आपको अपग्रेड करने में लगे पड़े तो हम लोग भी कर ही देंगे। बाय द वे हमारे पास अभी जितने भी यहाँ पे बन सकते हैं हम लोग बना के रख लेते हैं, एंड फिर हम लोग बाकी के आर्मर्स के लिए डायमंड प्लस नेदरराइट अपग्रेड टेम्पलेट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले तो अभी जितने बन रहे ना मैं उतने बना के चढ़ा ही देता हूँ इनके ऊपर, फटाफट से जाता हूँ और जाके भाई डायमंड की माइनिंग करते हैं, देखते हैं हम लोग कितने यहाँ से डायमंड निकाल लेंगे। तो मैं अपनी पीछे घर के पीछे वाली माइन से स्टार्ट करता हूँ उस माइनिंग को। ओके तो कैसे हम डायमंड माइनिंग के लिए -58 लेवल पे तो आ चुका हूँ, बट स्टार्टिंग में ही देखो मुझे गोल्ड मिल चुके हैं, मतलब कि यार अभी जो अपनी शुरुआत हुई वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है, एंड भाई आयरन भी मिल गया, इसका मतलब कि भाई आज तो भाई बारिश होने वाली है ना, हम सच में रिचेस्ट पर्सन बनने वाले हैं। तो लेट्स गो एंड देखते हैं आज हम लोग यहाँ से कितने डायमंड्स निकाल सकते हैं। तो वही सर माइन से मैं सक्सेसफुल यहाँ पे 3 स्टेक और 4 एक्स्ट्रा डायमंड्स माइन करके ले आया था, बट अभी कैलकुलेट इतना करना था कि क्या 3 स्टेक और 4 एक्स्ट्रा डायमंड्स में अपने 7 डायमंड आर्मर जो है वो कम्प्लीट हो पाएंगे। तो अब अगर देखा जाए तो यार अपने को यहाँ पे देखो भाई ये देखो भाई यहाँ पे अपने को भाई चेस्ट प्लेट लगानी है, तो मैं सबसे पहले हेलमेट से गिनना चालू करता हूँ। तो 5 × 7 इज इक्वल टू 35, मतलब कि 35 डायमंड्स अपने निकल जाएंगे इसमें, और मतलब हेलमेट में। फिर 8 × 7 जो कि चेस्ट प्लेट के लिए होता है वो निकल जाएंगे 56, तो 56 इसमें लग जाएंगे।
तो इसी कल तुम्हारे मतलब 1.5 स्टैक तो नीचे चला जाएगा हमारा डायमंड। एंड उसके बाद में अगर बात करें पेंट के लिए, तो भाई पेंट के लिए हम लोग लग जाता 7, तो 7 × 7 = 49, तो फिर आधा हमारा इसमें निकल जाएगा। एंड फिर जो बचते बूट्स तो 4 × 7। बट अब अगर बात करें अपने नेदराइट अपग्रेड टेम्पलेट की, तो इसको बनाने के लिए अपने को थोड़ा डायमंड और लग सकता है, बट बिकॉज ऑफ SMP में लक्स ज्वाइन कर चुका है, तो अपना काम अब थोड़ा सा आसान होने वाला है। ओके तो कैसे, सबसे पहले ना अभी हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे मैं अपना एक शल्कर लेके जाता हूँ। एंड ये वाला नहीं, ये हाँ ये वाला शल्कर मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। एंड फटाफट से इसको लेके जाते हैं नीचे के साइड, एंड वहाँ पे ले जाके हम लोग इसको कर देंगे, मतलब इसको हम लोग पूरा फुल भर के लेके आएंगे अपने डायमंड के आर्मर से। बट इससे भी मेरे पास एक और तगड़ा प्लान है, हम यहाँ से अपनी क्राफ्टिंग टेबल उठाएंगे एंड ऊपर वाले मारे में आके हम लोग पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको ठीक कर देंगे। मतलब कि यहाँ पे इस क्राफ्टिंग टेबल को लिया, इसको रखा यहाँ पे, एंड फटाफट से अपन जो है डायमंड के आर्मर्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बनाते हैं हेलमेट, प्लस ओए तू मत सामने, हाँ ये नेदराइट अपग्रेड टेम्पलेट इस और साथ में नेदर रेक इज इक्वल टू क्या बनता हुआ नेदराइट अपग्रेड टेम्पलेट। ठीक है, तो यार मैं नेदर रेक नीचे रख के आ गया, अब मैं फटाफट से वहाँ नीचे से भाई नेदर रेक लेके आता हूँ सबसे पहले तो। एंड आई होप कि यार अपना काम हो जाना चाहिए, अपने को और यार डायमंड ना लगे, अगर अपने को लगेंगे तो अपन लोग लक्स की हेल्प ले लेंगे। तो फटाफट से मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ अपने, क्या थे ये भाई, इसको क्या बोलते हैं यार, अपना नेदर रेक निकाल लेते हैं और फटाफट से वही बना लेते हैं एंड देखते बन पाता है कि नहीं। तो वैसे यहाँ पे अपने को थोड़े से यार जो अपने नेदराइट अपग्रेड टेम्पलेट है उसकी कमी हो रही थी। एंड लक्स क्योंकि सिंपल जैसा कि हमने बताया हम लोग लक्स से हेल्प ले लेंगे, तो सर मैं लक्स से बात कर ली। एंड गाइस यार अभी देखो हम लोग क्या करने वाले, हम लोग जो 10 हमारे नेदराइट आर्मर है, अब यार देखो मैंने सोचा था कि यार मैं अकेला रिचेस्ट पर्सन बनने वाला हूँ, बट साथ ही साथ में यार मुझे अभी मालूम पड़ा कि लक्स के पास इतना सामान पड़ा हुआ है। लक्स के पास में मैंने लक्स को बोला कि मुझे 119 डायमंड, मैंने पूरा कैलकुलेट करके बताया, तो मैंने लक्स को बोला यार 119 डायमंड मतलब कि 2 स्टैक मुझे डायमंड्स लगने वाले। तो भाई लक्स ने पैक खट्ट से उसे अंडर चेस्ट में से निकाल के मेरे मुंह पे फेंक दी भाई। तो अभी मैं लक्स को बोला कि यार मैं एक बार मैं वीडियो बता दूँ फिर मुझे दे देना। तो कैसे देखो अभी यार मैं ऐसा सोचा कि अगर लक्स अभी अपनी इतनी हेल्प करने वाला है, तो लक्स से हम लोग 2 स्टैक जो डायमंड ले रहे हैं उसके बदले ये जो दो की स्पेस दिख रही है ना, यहाँ पे जो द्वार मर रहेंगे वो दो अगर लक्स चाहे तो उसका कभी भी यूज़ कर सकता है। बाय द वे इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि यार हम लोग मतलब वो हो जाएंगे एकदम ही, बट मतलब रिचेस्ट तो हम लोग हो ही जाएंगे ना, इसका मतलब ये कि पर ऐसा नहीं बोल सकते कि यार ये हमने पूरा अकेले करेंगे। बट चलो कोई बात नहीं, क्योंकि यार अकेला करना थोड़ा सा मुश्किल होता था तो इसलिए, और भाई लक्स से लेना तो कोई बड़ी बात है नहीं, तो अभी लक्स से लेते, लक्स दे दो अब। चलो अभी लक्स ले लेते हैं एंड लक्स को बता देते हैं अपने सौदे के बारे में। लक्स ने तो भाई ऐसे ही सिंपल मुझे देने के लिए हाँ कर दिए, लक्स ने ऐसा कुछ मांग नहीं करी। अब मैं लक्स को बता देता हूँ क्योंकि यार वो इतनी हेल्प कर रहा है, तो लक्स सुनो लक्स इसके बदले भाई एक काम करते भाई, हाँ ये सारे के सारे नेदराइट आर्मर सपन ही रख लेते हैं, इसके बदले मैं लक्स को देने वाला हूँ अपना एशियन डेब्रिस 32 एशियन डेब्रिस, इसके बदले मैं तुमको 32 डेब्रिस दे दूंगा। ओके चलो मैंने लक्स को बता दिया है, और साथ में और एक इलाइट्रा ले लेना। चलो तो मैंने लक्स को बता दिया, लक्स के साथ में अब ऐसे देखो अब एक तरीके से ये हुआ कि यार मैंने एक चीज़ का बलिदान करा है, अब दो चीज़ों का बलिदान करा तो भाई रेंडो नहीं लगेगा। अरे रे लेना, चलो मैंने लक्स को बोल दिया अभी फटाफट से भाई जाते हैं और सारी के सारी बनाते हैं, बट नहीं लेना ही पड़ेगा। चलो हाँ तो भाई बातचीत कम करते पहले बना लेते हैं, क्योंकि भाई टाइमिंग अपनी ज़्यादा की ज़्यादा मतलब टाइम ज़्यादा हो रही है, एंड इससे पहले कि आप लोग बोर हो मैं फटाफट से अपने आगे की बना लेता हूँ सारी के सारी टेम्पलेट्स।
एंड लेट्स गो गाइस, सब वो वक्त आ चुका है कि अब हमारे पास में टोटली 10-10 नेदराइट टर्नमेंट्स होने वाले हैं हमारे पास में यहाँ पे। जो हाँ वो अलग बात है कि यार इसको बनाने में थोड़ी सी भाई, हाँ यार ये जो मैं 10 नेदराइट टर्नमेंट्स कंप्लीट हो पाए ना, ये इसका भाई इसके लिए ना मैं कुछ लोगों को क्रेडिट्स देना चाहूँगा, मतलब स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा। तो उन बंदों के नाम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना। और गाइस सर फाइनल यार देखो ये काफ़ी ज़्यादा भाई एक बड़ी चीज़ नहीं हो गई, मतलब तब से ज़्यादा भाई 10 नेदराइट टर्नमेंट्स तुम्हारे भाई के पास में एसएमपी में, जो कि यार मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात हो रही। मतलब यार मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि यार बहुत बड़ी बात ही है भाई सब 10 नेदराइट टर्नमेंट होना, उसमें से भी भाई 4-5 नेदराइट टर्नमेंट जो है वो एन्चांटेड है वो। हाँ बाकी वो अलग बात है कि मिक्स एन्चांटेड नहीं, बट हाँ एन्चांटेड है वो भी अच्छे अच्छे एन्चांट के साथ में। तो हाँ गाइस सर ये आज का भाई आज के वाले गेम प्ले वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में या फिर नेक्स्ट डीमंस के वीडियो में या फिर नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए बाय बाय।